ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू अब मैंने उठाया हूँ और इसको पूरे इंडिया के नहीं उधर भी बहुत लोग चाहते हैं कि 267 पे डिस्कशन होना चाहिए। तो इसीलिए मेरी एक ही मांग है, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, एक स्टेटमेंट करें, चर्चा शुरू हो, हम सब लोग उस समय हिस्सा ले, उसके बाद में रिप्लाई अगर होम मिनिस्टर देते हैं तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट होना चाहिए, यही मेरी कृपा है। इसीलिए मैं आपसे मांग करता हूँ जल्द से जल्द प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं। प्रधानमंत्री जी के लिए आपका प्रेम भाव बहुत प्रकाष्ठा पर है, पर इस विषय पर मैं मेरा निर्णय दे चुका हूँ। नहीं साहब, और मैंने नीतिगत निर्णय दिया है, विधि सम्मत निर्णय दिया है। मैंने डिस्कशन को मुझे बोलने नहीं देते। अगर फाइनल चर्चा के आने के लिए वो हमारे राष्ट्र चाहते हैं, हम चाहते हैं कि झलक विषय जो देश के सामने है उसके ऊपर चर्चा हो। मेरी जबान बंद कर रहे हैं प्रश्न के जवाब, मेरी जबान बंद करने के लिए बार बार मेंबर्स चाहते हैं कि अगर ये बार बार मेंबर्स की इच्छा है ऐसी चीज करते हैं जो विषय इन्होंने उठाए इसका मंत्री जवाब दे सके। ऐसे थोड़ी चलेगा, पूरा हाउस चलाए, ठीक से हाउस चलाए, हाउस अच्छी तरीके से चलने दे। सभी मेंबर्स के प्रिविलेज को खत्म करते हैं, इनकी इच्छा ही नहीं है चर्चा की, इनकी इच्छा है कि किसी ना किसी तरीके से मणिपुर की चर्चा से भागे। और हमारे सबके प्रिविलेज का क्या, मैं माफ करता हूँ कि इनके ऊपर प्रिविलेज क्या नहीं, हम सबके प्रिविलेजेस का अपमान कर रहे हैं, संसदीय कार्यवाही का अपमान कर रहे हैं, ये चाहते ही नहीं है डिबेट हो। इन्होंने आपका अपमान किया, आपने मिस किया, उसके बावजूद
पोजीशन पूरा 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 पोजीशन मांग कर रही है, शिक्षण बोलने की मांग कर रही है। वहां पर तो मणिपुर के दो टुकड़े कर दिए, समाज में दो टुकड़े कर दिए, ट्राइबल में दो टुकड़े कर दिए, बार खत्म कर दिए। हम डरते हैं, बहस करेंगे, बुलाइए, बहस करेंगे, बुलाइए, बुलाइए, कुछ शिक्षण बुलाइए, प्रधानमंत्री को बुलाइए, 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 प्रधानमंत्री को बुलाइए, अरे हम रेडी हैं, बुलाइए। करने के लिए हट गए हैं सदन से।